आप अभी बोलेंगे मुस्तकीम डिग्निटी आमदार को बेवकूफ बना रहे, कैसे बना आमदार ने सोचा आमदार मेरे तो पीछे बोला था आमदार ने दोनों हाथ हटा दिया तो ये साथ और वो साथ रहेगी थी ये तो आमदार की ताकत के ऊपर आते शुरू किया फिर दोबारा बोल रहा फिर कॉर्पोरेशन इलेक्शन है अगर आमदार अभी नहीं संभला तो फिर आगे है बर्दाश्त का मादा नहीं रखेगा वो लीडर हो ही नहीं सकता वो बड़ा बनी नहीं सकता अब जिसका वालिद मोहतर भी जबान को लगाम नहीं है तो उनके बच्चों को कहां से लगाम रहने वाली है क्या है बाबा रहेगी क्या कभी नहीं रहेगी सीख बच्चों को अपने घर से मिलती है मेरे भी 6 बेटे है क्या की कंप्लेन बताओ मेरे होता है झगड़ा उनका वहां वहां कभी बाई चांस नहीं खाती खाती कोई ना कोई वजह लेकिन अब क्या हुआ बोले कुसुम बरोड क्वालिटी का नहीं बन रहा है ये क्वालिटी टेलर का बेटा है वो बोलता है कि क्वालिटी का नहीं बन रहा है कुसुम बरोड आगर रोड बोले क्वालिटी नहीं है उसमें समझिए अब बन रहा तो क्वालिटी नहीं है अब इन्होंने तो कभी इनके बाप जन्म में जमीन पर काम ही नहीं करे अरे मैं तो ये बोलता भैया काम की बुनियाद पे बात करने को ये देखो हमारे टाइम के है काम आज उसकी तुलना और आज के काम से तुलना करो बोलना चाहिए नहीं मस्त है लेकिन इन्होंने 6 साल के अंदर कभी कुछ करा नहीं 2 टाइम के अंदर कुछ नहीं कर रहे इनके चट्टू बट्टू कुछ नहीं कर रहे खाली विरोध करते सब कुछ सब आता लेकिन मैं जिम्मेदार आदमी इसके लिए मुझे कुछ नहीं आता लेकिन हम जो है भैया विकास करने वाले डेवलप करने वाले लोग जमीन में काम करते और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे अब बताओ कल 30 महीने पूरे हो गए मेरे आमदार साहब को कितने बजे भैया इन्होंने कल कितने बजे 30 महीने हो गए लेकिन 30 वो गवर्नमेंट नहीं बनी थी तो वो मैंने पकड़े जाएगा ना इनका रहा वहां से उन्होंने बोले थे असेंबली इलेक्शन के उनके नेतृत्व में था कि मैं 60 महीने में 60 काम करूंगा बताओ भैया देखो 6 काम दिखाना सर्कल अभी तक बना नहीं उद्घाटन कर दिए कहां पे धरेगा है ना 3 करोड़ अंदर बढ़ता 1,92,00,000 वापिस चले गए मैंने सवाल करा पिछली पत्रकार परिषद में तो बोले आप कॉर्पोरेशन का हिसाब दो अबे हम तो जमीनों पे हिसाब दे रहे काम का आगरा रोड बना रहे सही तक अब्दुल हमीद रोड बना रहे शहर के हर इलाके में रोड बना रहे और ये कॉर्पोरेशन के निधि से है कॉर्पोरेशन के फंड से है अब जाकर के हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा साहब ने जो 10 करोड़ रुपया रिलीज किया था उसके काम की शुरुआत हो रही जो पायलट मंत्री डीपीटी से 5.5 करोड़ रुपया दिया था उसके काम की आशा नगर की मेन रोड की सीमेंट रोड के काम की शुरुआत हो गई कल से उद्घाटन हुआ है ना और 1.5 करोड़ और आ रहा था ये तो देखो गवर्नमेंट में 80 भाई आमदार है यहाँ के MLA आमदार है ना हम तो कॉर्पोरेशन के हिसाब दे रहे जमीन पे तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं हम तो काम के नाम पे हिसाब दे रहे जमीन पे दे रहे और ये अपना काम को बचाते हैं काम इनको आते ही काम करना क्या करेंगे पैसा वापिस जाता अरे मैं बोलता 3 करोड़ से 2 ही करोड़ बचे थे अगर तुम कुछ खर्चा कर डाले थे 1 करोड़ बनाए थे तो मानता नहीं जूना भी मार्केट से लेके कोरोना अबुल कलाम आजाद रोड तक बन जाता है जमीन रोड बन जाता ना लोग धुआं देते हैं इनको भी नहीं यार अंदर एक तो काम करे ऐसा होता है नहीं तो हमारे काम तो सब जमीन पे है और अभी भी 50 करोड़ रुपया अलग हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के लिए अलग और मुस्लिम इलाके के अंदर अलग 60-50 करोड़ रुपया रास्तों के लिए कुछ एक तो नाले बड़े उसके लिए काम लगाऊंगे अभी दादा दूसरे सब मंत्री है
और जब कोई भी डीपीआर लाना पड़ता है, अगर 100% जब नहीं रहता, कोई 30-60 रहता है, कोई 30-70 रहता है, कोई 80-20 रहता है, कोई 10-20 10-90 रहता है। अगर दादा भूसे साहब ने अगर 100 करोड़ रुपए की अगर नौकरी लाए मालेगांव कारपोरेशन में, तो हिस्सा रहेगा ना उसमें, क्यों नहीं रहेगा? क्या दादा भूसे के मतदार संघ से रहने से ये राष्ट्र जो मुक्ति साहब के लोग छूट करके नहीं आए क्या? वहां तो कितने हमारे हैं, दो पहले दो ही आए थे हमारे क्षेत्र, उनके आए थे, एक पहले पूरा आया था, एक पूरा आ गए थे बराबर ना, एक सेना का, एक बीजेपी का, चार इनके, दो हमारे। आज वो राष्ट्रवादी है, हम राष्ट्रपति में चले गए तो राष्ट्रवादी क्या हमारे साथ हो, ये तो भाग गया राष्ट्रवादी छोड़ के, बाकी के लोग इनके। मेरा बोलने का मतलब उसके ऊपर टिक्का टिक्की करते है, ये बच्चा अभी अंडे में है, अभी बोलता है ज्यादा, क्या अभी बोलता है, सोचता मैं बोलूंगा न्यायालय मत बच्चे में, इसको 10 जन्म में न्यायालय मत जैसे बनने को, ये बच्चे बोलो क्या क्या बात है रहा, मुक्ति में बेहकूफ बना रहा हो, उसकी सोच म्यूनसिपलिटी की हद तक नहीं है, उसकी सोच की आवाज नहीं मिली कि मैं अंदर को डैमेज करूं, अंदर ही अंदर वो कर रहा है, अंदर ही अंदर, अरे अंदर को समझ कर। और वो जो न्यायालय मत के मानने रहे थे उनकी प्राइवेट मीटिंग लेते जा रहा, और जो न्याय मुक्ति साहब के साथ जब उनसे भी मिल रहा है जाके, ये देखो दो टेप तुमने चुन के दिए, ये आदमी ने कुछ नहीं किया, तुम शाम को आगे कर लो, तुम ये शाम को मदद करो, हम कुछ कर सकेंगे। अरे जो जो न्यायालय वर्ग ने जो ये लड़की को जन्म दिया, वो उन्होंने 30 साल में कुछ नहीं करे, उसकी बेटी और तुझे दामद करने वाला है और मुक्ति करने वाला है, करेगा? ये बातों की दुकान है। और मैं दादा भवन अगर 100 करोड़ रुपये लाए, 88 करोड़ जीएसटी काट, उसमें से हमारे शहर में भी ये इलाके में ब्रिज 4 है, तो हिंदू खाली आएंगे उसमें से 4 ब्रिज में से, उन्होंने मौसमपुर जिन्हें छोड़ के नए बनाए जाएंगे, सांडा पुर जमाने का ब्रिटिश गवर्नमेंट की देश था, उसको तोड़ के नया बनाया जाएगा, बनाए जाएंगे। दयाने का महीने और प्रशांत हीरे साहब ने 10-10 लाख रुपये दिए थे जब वो गर्सी पुल बना था, वो नया बनने जा रहा है RCC, तो खाली हिंदू भाई आएंगे, मुसलमान नहीं वापरेगा उसमें से, वो काम क्यों नहीं गिराया गया? और फिर प्लस हमारे एक मिर्जा गाली रोड है, उसमें सीमेंट रोड, वो उसके अंदर एजेंसी के बने, एक हमारा जूना काज जूना दरेगांव नाके वाला वो उनका चौक तक का सीमेंट रोड है, एक उसके अंदर फार्मेसी कॉलेज वाला रोड, कॉलेज इनके वालिद साहब ने चालू करा था मोहतरम में, न्यायालय मत साहब ने मरूम ने, हाँ वो रोड आज तक नहीं, उन्होंने कभी तो बनाया नहीं, जो कुछ बनाए कांग्रेस के लोग ने, जबकि कांग्रेस के और आखिर राष्ट्रवादी ने, आज वो सीमेंट रोड बनने जा रहा है डायरेक्ट कवाड़ी नाले तक, एक सीमेंट रोड जो है वो रजा चौक से लेके है ना जो नए सरकार तक बनने जा रहे उसके अंदर ही से। मेरा बोलने का मतलब काम कुछ करते नहीं, विरोध खाली करने के लिए तुम होते क्या? अरे विरोध ऐसी बात पे करो जो सही ढंग से हो, खाली बातें करते हो, खाली इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इतने टाइम बोल रहे हैं अभी मोदी साहब की सरकार, और खाली महाराष्ट्र का वो माजी खासदार बोल रहा तो रेड गिर जा रही, खाली आमदारों पे मंत्रियों पे ईडी की रेड आ रही है ना, तो जा तेरा भी बहुत अच्छा है देवीगौड़ा से, देवीगौड़ा के लोग और बीजेपी के लोग वहाँ सरकार चला रहे कर्नाटक में, ये तो सेकुलर है जी, अंडे में जो बच्चा है ना सेकुलर है जी, हो देवीगौड़ा भैया गलत बोल रहे क्या, कर्नाटक में कौन सा सरकार चल रहा है, जनता दल और बीजेपी, ये वही पार्टी के ना सेकुलर का नहीं 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 अभी 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 सरकार है अभी नहीं अभी नहीं पहले देखे पहले अभी नहीं, उन्हें बाप का भी एक काम नहीं बताते, मैडम उनके शोहर का काम भी नहीं बताते रहे ना, तो देवी बड़ो की इतनी चलती बस उससे जाके फोटो बनाए भाई वाले बनाए का बोला था भाई वो भी नहीं बनाए उन्होंने काम नहीं बोलते ना वो बहरहाल
मैंने अपनी पत्रकार परिषद अतिक्रमण पे शुरू करा था, कल वापिस महासभा है। मैं फिर आप लोग के जरिए एक संदेश दे रहा हूँ, अपोजिशन को भी रूलिंग को भी। देखो विषय महासभा में नहीं रहता है, एजेंडे नहीं रहता है, ये लोग गति करते हैं, विषय नहीं रहते हुए तुम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन बोल सकते, ये अलग बात है। लेकिन उसके लिए तमीज तरीका रहता है। हाथ उठा के महापुर की इजाजत देने के एक जन बोलना चाहिए, पूरा इस तरीके से काँव 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 करते हैं, अभी वो बात आ जाएगी म्याओं म्याओं वाली, है ना, ये काँव काँव करते हैं, बात सुनते रही समझते रही कुछ भी करते, अक्कल का पता नहीं, वो उठता छुटता बैठता। हमको भी आता कानून मालूम है कि हमको मीटिंग के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे सस्पेंड करके, इसे क्या बिगड़ता है इसे। कल भी महापौर खाली सब बातें सुनेंगे, अगर ये ढंग से पूछेंगे, विषय से हटके अगर पूछेंगे तो किसी की बात सुन नहीं सुनी जाएगी।